ग्वालियर जिले में नए एयर टर्मिनल पर मंगलवार को पहली फ्लाइट लैंड हुई। इस फ्लाइट में खुद नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए गुना कांग्रेस प्रत्याशी के बयान पर कहा कि मैं ना किसी व्यक्ति की टिप्पणी का जवाब देने वाला हूं। मैं सेवक था, सेवक हूं और जिंदगी भर सेवक रहूंगा और मुझे लगता है कि इसका अनुभव आप लोगों से ज्यादा किसी के पास नहीं है। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के ईवीएम को लेकर दिए बयान पर सिंधिया ने कहा कि देखिए राजा साहब को हर चीज में कुछ ना कुछ कठिनाई दिखती है। इस ईवीएम को कांग्रेस लेकर आई थी लेकिन पिछले 10-15 साल से ईवीएम पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। जहां कांग्रेस जीतती है वहां उनको कोई प्रश्न नहीं है, जहां कांग्रेस हारती है वहां उनको प्रश्न है। वहीं गुना सीट से पत्नी प्रदर्शनी राजे सिंधिया के प्रचार करने का सवाल पूछे जाने पर सिंधिया ने कहा कि वो मेरे जीवन की साथी हैं, चुनाव में भी मेरे साथ रहेंगी। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। मैं ना किसी व्यक्ति की टिप्पणी का जवाब देने वाला हूं, मैं सेवक था, मैं सेवक हूं और ज़िंदगी भर सेवक रहूंगा और मुझे लगता है इसका अनुभव आप सब लोगों से ज़्यादा किसी और के पास नहीं। राजा साहब को हर चीज़ में कुछ न कुछ कठिनाई दिखती है। जिस ईवीएम को कांग्रेस लेके आई थी सामने सर, पिछले 10-15 साल से ईवीएम पर प्रश्न वही उठा रहे हैं। जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ उन्हें कोई प्रश्न नहीं है, जहाँ कांग्रेस हारती है वहाँ उन्हें प्रश्न है। अब मुझे लगता है ये 344 या 360 जितने भी उनको कहना चाहिए था ना, 370 शायद वे 370 कहते तो फिर उसमें कोई मजबूती होती। हाँ तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि प्रजातंत्र पर, लोगों के मताधिकार पर प्रश्न करना, इससे बड़ी कोई स्वतः एक कलंक नहीं।